3, नीचे गाड़ी में जा रहा हूँ, निकलेंगे ठीक है। चलो सुबह कितने बजे गए तो बता भैया मेरे फोन। 4:21, 4:21 हो रहे हैं सुबह के, निकलते निकलते पूरे 4:30 बज जाएंगे। पे खुल जा, आज हम भाई जाएंगे सीधा यहाँ से जम्मू ठीक है। यहाँ से सीधा जाएंगे भाई जम्मू ठीक है, अपना जम्मू में स्टे करेंगे और कल जम्मू से निकलेंगे श्रीनगर के लिए। पटनी टॉप पिछले नहीं जा रहा, पटनी टॉप थोड़ा दूर पड़ेगा, जम्मू में देख लूँगा कहीं भी रुक जाऊँगा। वहाँ से 7-8 घंटे लेंगे कल श्रीनगर के। टैंक मैंने कल ही फुल करा लिया था ठीक है, अपना सब चीज़ रेडी है। सुबह का टेम्परेचर भी 36 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है ठीक है भाई। अपना निकलते हैं, 4:22 हो चुकी, गाड़ी बाहर निकालता हूँ और चलते हैं यहाँ से सीधा। भाई सोनीपत का टोल टैक्स आ चुका है हमारा ठीक है, गाड़ी हमारी चल गई 100 किलोमीटर, कल चली थी कुछ वो भी जोड़ के, मतलब 60 चली है, दिखा 100 हो रही है जब से ट्रिप जीरो की थी मैंने। A few moments later. यहाँ रुका हूँ भाई, मन्नत हवेली, 150 किलोमीटर गाड़ी चला दी, 160 के आसपास तोप रखी है ना मस्त। यहाँ से अपना रह रहा होगा, अभी देखा नहीं कितने किलोमीटर रह रहा, पर लगेगा टाइम थोड़ा, दिखा रहा दोपहर 3 बजे तक हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह जम्मू ठीक है। जम्मू में सही टाइम पर पहुँचा तो जम्मू में इधर उधर घूमूंगा थोड़ा बहुत, देखता हूँ तो ये भी सोचता हूँ मुझे नींद आया तो मैं सो जाऊँ ठीक है। वो लू वाला मैटर ना दिल्ली का, वो वैसे 2 दिन से थमा हुआ है बाहर के एरिया में, देखो मतलब ठंडा है मौसम सुबह के टाइम काफ़ी, और बारिश भी काफ़ी हुई है ना। देखो गार्ड साहब कुत्ते को भगा रहे थे बेचारे को। ये सामान लिया भैया, बहुत वजन हो गया भाई इसमें, तो कुछ नहीं लिया था मैंने इस बार, मैं यहीं से खरीद लूँ, होना जरूरी है भाई, एक मिनट में लैंडस्लाइड हो जाए कहीं भी, रुक के मरो फिर वहाँ। सुबह के बज गए भाई 10 ठीक है, अपना होटल आए हुए किंग ढाबा, और जम्मू दिखा रहा 450 किलोमीटर के आसपास रह रहा। कुछ खाऊंगा यहाँ पे, घर वालों को साथ हूँ मैं, बताना तुम्हें, कुछ खाऊंगा पीऊंगा और फिर चलाऊंगा गाड़ी दोबारा। टाइम में बैठ गया हूँ, होटल हाईवे किंग है ना जयपुर वाला, उसमें नहीं बैठा उसका छोटा भैया, ये खाली हाईवे किंग है, धोखा है बहरूपिया में बैठा हूँ मैं, और सुबह सुबह झाड़ू लग रही है यहाँ देखो शिद्दत के साथ। पराठे खाऊंगा और चलते हैं फिर आगे ठीक है भाई। जहाँ मुझे जाना है देख लो 6:11 और 324 किलोमीटर, मैं तो 400 समझ रहा था, कम ही रह गया उस्ताद। ये और ले लिया भाई, बाकी होटल हाईवे किंग, इस रोड का किंग तो हो सकता है, इस किंग का हमारे दिल पर कोई असर नहीं पड़ा, मजे नहीं आया मुझे खाने में। चलो कोई नहीं, भाई ये पहाड़ लग रहे हैं लेकिन पहाड़ नहीं है असल में, पठानकोट से पहले ना इस तरीके का एक रोड आता है जिस पे ऐसा लगता है जो पहाड़ हैं। यहाँ से एंट्री जाती है जम्मू एंड कश्मीर, ये लिखा ना वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, और यहीं से सीधा सीधा रोड है अपना, पता भी नहीं चलता पहाड़ों में चल रहे हैं, रोड इतना स्ट्रेट है, आगे दिखाऊंगा भी।
अंदर घुसते ही आधे किलोमीटर बाद आया था टोल टैक्स, टोल टोल है अरजंगा। पठानकोट भी पार हो गया भाई। अब यहाँ से उधमपुर रह रहा है 83 किलोमीटर, अब चलाऊंगा भाई। पिछली बार जब यहाँ से गए थे रात के 11:30 बज रहे थे, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था लोकल, और इस टाइम लोकल ट्रैफिक काफ़ी है रोड पे ना। अभी पिछली बार एक रास्ता आगे जाके टूटा हुआ था, देखते हैं वो बना या नहीं बना। 10 किलोमीटर रोड ख़राब आएगा वो यहाँ से होगा तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास। और तेल भी डलवा लाना इसमें ना, 580 किलोमीटर चल चुकी टैंक फुल होने के बाद गाड़ी, क्वार्टर है अभी भी चलेगी 250 किलोमीटर। कोई नहीं, डलवाते हैं ऑयल इसमें। भाई जम्मू और कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पेड सिम चलने वाली है, प्रीपेड मत लेके आना, पोस्ट पेड लेके आना, याद रखना ठीक है। भाई बीच में ऐसी रुका थोड़ी देर, बहुत गर्मी है भाई, गाड़ी में बैठ लो वापस। भाई अगर कश्मीर आप लोग बाय रोड आ रहे हैं तो ध्यान रखना गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना, एक हाईवे पे बिल्कुल मत चढ़ जाना, नया हाईवे जो बन रहा है वापस आते हुए भी और जाते हुए भी, क्योंकि वो बड़ा ही ख़राब रास्ता है। शुरू में तो बड़ा तेज़ लगता है कि रोड बहुत तेज चलेगी गाड़ी उसमें, उससे अच्छा रोड ये है जिससे मैं जा रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब है, बाकी रास्ता ओके, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही गूगल मैप्स यूज़ करके आना, ये बात ध्यान रखना। अब डलेगा दोबारा डीजल, 40 किलोमीटर पहले चला रखी थी मैंने, यानी सुबह से गाड़ी चली है 580 के आसपास, फ्यूल क्वार्टर है अभी भी, लेकिन मैं टैंक फुल कराऊंगा अब ठीक है। भाई हम रुकने वाले थे जम्मू, अब जम्मू में खड़ा हूँ मैं, दोपहर के बज रहे हैं 3:30, तो रुक के फ़ायदा क्या। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने मना कर दिया रुको मत यहाँ, क्योंकि भाई दिन वेस्ट हो इससे अच्छा हम श्रीनगर ना पहुँचें सीधा यहाँ से, तो श्रीनगर लगाऊँ गाड़ी, श्रीनगर के 6.5 घंटे और 225 किलोमीटर दिखा रहा श्रीनगर, और ओ कितने आता है वो दिखाता हूँ तुम्हें, अभी डाल रहा भाई। रात पता कितने बजे सोया मैं, लास्ट मिनट टाइम देखा था फ़ोन में सोते वक्त, लेट तो जल्दी गया पर नींद नहीं आई, 2 बजे सोया, 3:30 बजे उठ गया, 1.5 घंटा सोया हूँ मैं कुछ भी ना के बराबर ही सोया, बस 1.5 घंटा वो वाली बात है कि बस, फिर भी 1.5 घंटा सोना ही बहुत होता है ह्यूमन बॉडी के लिए अगर दिमाग स्ट्रांग रखो तो। तेल बहुत स्लो डाल रहा है भाई, 56 लीटर पक्कट मार गए लौंडिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उधमपुर पार करके रुकाऊं भाई, देखो यहाँ कुछ खाने को मिलता है क्या इस पे, और बंद सही लग रहा है भाई, सिर्फ फास्ट फूड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फूड होना चाहिए, फास्ट हो स्लो हो फूड होना चाहिए ठीक है, जो मिले खा लो लपेट लो, यहाँ चॉइस नहीं चलती आके। गन्ने का जूस मिल रहा, व्यू बढ़िया है ना। तो यार पहले दिन ना व्लॉगिंग में कुछ ज़्यादा खास शूट हो नहीं पाता, क्योंकि रास्ते में क्या ही दिखाएं तुम्हें जाते हुए ना, कोई फ़ायदा नहीं, टक्कर मारने वाली बात होती है पहले दिन, तो अब पहुँच जाएंगे अगले दिन तब दिखाएंगे तसल्ली से ठीक है। तो कुछ ही कहो, चीता लग रहा ना कुछ बेहतरीन सा। तो पहाड़ों से वापस हम आ गए गांव में, खाट पे पड़े हैं, मजाक कर रहा हूँ, खाट मिल गई भाई, क्या मगा दे दे भाई, 10 मिनट को लेट रहे थे सीधा, उम्र सिद्धि कर लो अपने। एक ही उस्ताद यहाँ पड़े हम, तो मौज ले रहे, तुम भी आओ मौज लो ठीक है, अपनी अम्मी को बुलाओ, अपना बहू बुलाओ, चाचा को बुलाओ, मामा को बुलाओ, सबको लाओ ठीक है। भाई के यहाँ पेस्ट्री भी है, वीडियो बनाता हूँ भाई मैं, व्लॉगिंग चैनल है मेरा यूट्यूब पर, हाँ सैंडविच बनवाया भाई से हमने, और पिज़्ज़ा बनवाया और चाय बनवाई है कुल्लड़ वाली, लंच तो क्या ही करेंगे भाई, शाम के 4 या 5 बज रहे शायद, तो ये खा पी के अपना रात को खाएंगे सीधा डिनर ठीक है। वो बन गया हमारे सैंडविच, दिखाओ वो रहे देखो, ऐसे डस्टबिन जरूर बनाया करो भाई, समझ गए ना, बहुत छेद हुआ, नेचर इज़ और ब्यूटी को ख़राब नहीं करते बच्चों।
तो भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़, जब भी आओ तो हमेशा वेदर चेक करके आना और रोड चेक करके आना, खुला है या बंद है वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, ठीक है, या फिर फेसबुक के भी कई सारे पेज है जो इन्फॉर्मेशन देते हैं इस बारे में। बिना चेक करे कभी भी मत आना, क्योंकि बहुत बार बारिश होती है, उस बारिश में लैंडस्लाइड में अगर रोड बंद होता है तो दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं क्लियर होने में, उसमें फंसने से अच्छा है हमेशा भाई अपना प्रिकॉशन रखो, गाड़ी के अंदर खाना पीना रखो एक्स्ट्रा और तब चलो इस रूट पर, ठीक है, पहाड़ हैं कोई मजाक नहीं है, ठीक है भाइयों। बार इस रोड पे खड़े थे भाई हम, कम से कम 12 घंटे खड़े रहे थे यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से। 10 किलोमीटर आ गए हम, 10 किलोमीटर का जाम था उस दिन, यहाँ लगा था जाम स्टार्ट, पर जहाँ पहले दिखाया वो 10 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से, वहाँ तक जाम था। 12 घंटे लगे जाम खुलने में, ये एग्जैक्ट पॉइंट था यहाँ से शुरुआत। हाँ यहाँ से एकदम यहाँ लगा खड़ी खड़ी करी थी हमने, जहाँ ये हिस्से पे ट्रैफिक बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। वीडियो बना रहा हूँ भाई मेरे, ट्रैफिक बढ़ गया बहुत और रात हो रही है अब, और आसमान को देख के ऐसा लगता है जैसे बारिश होने की चांस है। पिछले 15-20 मिनट से खड़े हैं और जाम है, यहाँ भी जाम है, यहाँ से 15 मिनट दूर भी जाम है, मिली आखिरकार ट्रैफिक। सही हो गए हैं, कश्मीर वाला फील आना स्टार्ट हो गया यहाँ से, पर अब अंधेरा हो चुका है, कुछ नहीं दिखेगा आगे जाके। Few moments later. मैं आऊँ बाइक पे अंकल के साथ, होटल वाले यहाँ से लिया भाई खाना, बड़ी मुश्किल से दिया, इन सब ने तो मना कर दिया, बाकी दुकानें बंद है, भैया ने दिलवा मेरे साथ आए थे मेरे को बाइक पे लेके, ठंड हो रही भाई यहाँ तो बहुत तकड़ी। टेम्परेचर अभी भी है 14 डिग्री के आसपास, टी शर्ट में घूम रहा हूँ मैं, और मैं ही नहीं बहुत लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं यहाँ, और नींद आ रही है बेहिसाब की, 1.5 घंटे सोया था बताया था, खा के फैल जाऊँगा बस सीधा। इतनी भीड़ हो रही है ना कश्मीर में, इस हिसाब से कश्मीर का भी कूड़ा कर देंगे लोग, सही बता रहा हूँ मैं। शुक्र है भाई खाना मिल गया, देखो एक फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, दो फोन हाथ में, अरे ये हॉर्न मैं भी लगवाने वाला बहुत जल्द अपनी गाड़ी में।